हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मॉन्स्टर पोकेमॉन के बारे में, और मॉन्स्टर पोकेमॉन से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे पोकेमॉन जो मॉन्स्टर एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मॉन्स्टर पोकेमॉन नाम सुनकर तुम्हें शायद से ऐसे भी लगा होगा कि कोई डरावना पोकेमॉन होगा, उसको हम लोग इस ग्रुप में ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉन्स्टर एक अलग सा एक ग्रुप है जो पोकेमॉन के वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे पोकेमॉन गेम्स के अंदर यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एनिमे में भाई थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा ये। तो हाँ, आज हम लोग इसी एक ग्रुप में से टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को डिस्कस करने वाले। वैसे यार ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली, मतलब 1 से 20 तक के जितने भी मैं पोकेमॉन बताऊंगा उनको मैं रैंक नहीं करूंगा, मतलब वो सभी पोकेमॉन अपने में ही बेस्ट पोकेमॉन है। तो हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सी लिस्ट होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर 20 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे फिनिश करेंगे, लेकिन ये चीज याद रखना कि ये कोई भी रैंकिंग वीडियो नहीं है, ये तो मैं बार बार रिपीट करके बोल दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 20 पे ट्रोपियस। ट्रोपियस जनरेशन 3 के पोकेमॉन है, एंड हाँ ये भी मॉन्स्टर एक ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे इसको ड्रैगन एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं अगर ये मॉन्स्टर एक ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। एंड देखो, मॉन्स्टर एक ग्रुप से ना कुछ ऐसा सिंबल हो सकता है कि वो ह्यूमन लाइक भी हो एंड उसके पास ना कुछ अलग सी ट्रेट्स भी हो, मतलब उन दोनों का अगर मिक्सचर हो तो मॉन्स्टर एक ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ, ट्रोपियस के पास मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है क्या? अब अगर लॉजिकल वे में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रोपियस के पास कोई ह्यूमन लाइक ट्रेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है मॉन्स्टर के एक ग्रुप में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 19 पे एक्सप्लाउड। एक्सप्लाउड के बारे में भाई तुम लोग सभी लोग जानते हो, मतलब एक्सप्लाउड भी मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसकी खासियत इसकी सोनिक वेव्स होती है, मतलब अगर साउंड टाइप एग्जिस्ट करता है पोकेमॉन के वर्ल्ड के अंदर तो हाँ इसको तो भाई वो मिलने ही वाला था। एंड इसके पास डिस्ट्रक्टिव मूव्स तो है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफेंसिव पोकेमॉन नहीं है। अगर ये डिफेंस भी इसके ज्यादा होती देन यार ये पोकेमॉन सही में बहुत ही कमाल कर देता, बिकॉज अटैकिंग पावर इसके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन अटैक के साथ साथ इसके पास अगर डिफेंस होता देन टू बी ऑनेस्ट ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। 18 पोकेमॉन है फेलरीगेटर। एज वी नो कि फेलरीगेटर जनरेशन 2 का स्टार्टर पोकेमॉन है, हाँ मतलब प्रोटोटाइल का लास्ट स्टेज का पोकेमॉन। ये भी मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। वैसे अगर क्रोकोडाइल एक ग्रुप कुछ ऐसा होता है तो इसके अंदर भाई ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है। मॉन्स्टर एक ग्रुप में भाई एग्जिस्ट मेरे ख्याल से हाँ ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो मॉन्स्टर वाले ट्रेड होने चाहिए वो इसके पास हाँ है। 17 पोकेमॉन है मगेनियम। मगेनियम भी जनरेशन 2 का स्टार्टर पोकेमॉन है, यानी कि हाँ चिकोइटा की लास्ट स्टेज। ये भी मॉन्स्टर के एक ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। एंड मगेनियम भी भाई अच्छा पोकेमॉन है ग्रास टाइप के अंदर। वैसे हाँ ये थोड़ा सा अंडररेटेड पोकेमॉन, यानी बाकी जो ग्रास टाइप के स्टार्टर पोकेमॉन है उसके पीछे ये कहीं ना कहीं छुप जाता है, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा पोकेमॉन है, ये तो हम लोग को भाई मानना ही होगा। 16 पोकेमॉन है कैंगस्कान। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंगस्कान के पास एक मेगा इवोल्यूशन भी है, तो हाँ एक और यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, यानी कि उसकी पॉपुलरिटी थोड़ी बहुत बढ़ती है। वैसे इसका मेगा इवोल्यूशन में डिजाइन वाइज अगर देखा जाए थोड़ा सा वियर्ड डिजाइन है, बिकॉज अब मेगा इवोल्यूशन तो ठीक है मैं मानता हूँ आ गया इसके पास, लेकिन बस इसका जो बच्चा होता है वो बस बाहर निकल जाता है, मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनता ना। वैसे अगर कैंगस्कान को स्ट्रेंथ वाइज देखे तो हाँ इसके पास भाई पावर्स तो है, मतलब कैंटो के अंदर कुछ गिने चुने पोकेमॉन में हम लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। 15 पोकेमॉन है स्वैम्पर्ड। स्वैम्पर्ड भी स्टार्टर पोकेमॉन है, मतलब यार इसको अगर देखा जाए तो हाँ ये भी एक अंडररेटेड पोकेमॉन है, एक अंडररेटेड स्टार्टर पोकेमॉन इसको भी बोलना चाहूंगा। तो हाँ ये भी इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये भी मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। वैसे नंबर 14 पे टर्टोनेटर। टर्टोनेटर अलोला के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, काइफ के पास टर्टोनेटर था, तो हाँ तुमने यहाँ पे देखा ही होगा, तो अलोला के अंदर इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी। एंड यार मेरे ख्याल से तो ये पोकेमॉन मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखते हैं, इसके पास वैसे ड्रैगन टाइपिंग भी है जो हाँ एक अच्छी बात है इसके लिए भी। 13th पोकेमॉन है एवामर स्नो। वैसे तो यार देखो इसकी जो टाइपिंग है ना उसके हिसाब से भाई इसके पास वीकनेसेस बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे हम लोग ये सब डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग बेस्ट मॉन्स्टर पोकेमॉन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ मेरे ख्याल से इसको भी यहाँ पे लिस्ट में ऐड करना यहाँ पे बनता था, बिकॉज मैं मानता हूँ इसके पास ना वीकनेसेस है, लेकिन यार इसके पास ना मूव्स अच्छे खासे है। मतलब यार तुमने अगर एनिमे के अंदर भी देखा होगा तो एश ग्रेंजर को भी इसने भाई परेशान कर दिया था, तो हाँ तुम यहाँ से तो इसकी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हो। 12th पोकेमॉन है बैस्टियोडॉन। बैस्टियोडॉन भी एक फॉसिल पोकेमॉन इसको माना जाता है, एंड फॉसिल पोकेमॉन होने के बावजूद ये यहाँ पे मॉन्स्टर के भी एक ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। अभी थोड़ी सी वियर्ड बात है, मतलब यार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे पोकेमॉन 2 या 3 एग ग्रुप्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ इसके लिए बैस्टियोडॉन को यहाँ पे 2-3 एग ग्रुप के अंदर ये भी भाई एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई हम लोग क्या ही कर सकते हैं। 11th पोकेमॉन टॉर्टेरा। टॉर्टेरा एस वी नो एक स्टार्टर पोकेमॉन है। वैसे यार देखा जाए तो ये भी थोड़े से अंडररेटेड पोकेमॉन है, पता नहीं क्यों ग्रास टाइप पोकेमॉन है थोड़े अंडररेटेड ही होते हैं, मतलब बहुत कम ही ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो ना मतलब अंडररेटेड नहीं है। अब देखो टॉर्टेरा के पास स्ट्रेंथ है आई नो, लेकिन फिर भी अगर हम एश की टॉर्टेरा की बात करें तो एनिमे के अंदर भाई उसके साथ क्या ही हुआ था, मतलब वो टर्टे स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो इवॉल्व हुआ वो ज्यादा मैचेस हारने लगा। लेकिन यार यहाँ पे हम गेम्स की बात करें तो हाँ गेम्स के अंदर ये थोड़े से इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यार कुछ ही टाइप्स के ऊपर। 10th पोकेमॉन है एग्रॉन। अब एग्रॉन भी एक एवरेज सही पोकेमॉन है, वैसे मूव सेट
के अकॉर्डिंग में देखा जाए एग्रोन को तो हाँ ये भी एक अच्छा पॉकीमोन है। नाइन्थ पॉकीमोन राइफेरियर, राइफेरियर को भी जगह मिला है मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर एंड हाँ आई गेस ये भी डिजर्व करता है मॉन्स्टर एक ग्रुप में आना बिकॉज यार ये ह्यूमन लाइक मतलब आई काइंड ऑफ हो सकता है बिकॉज इसके यार दो हाथ है दो पैर है मतलब ऐसा तो हो सकता है ना मतलब हाँ ये दो पैरों पर चलता है तो हाँ ह्यूमन एक ग्रुप में भी ये एग्जिस्ट कर सकता था, वैसे ह्यूमन एक ग्रुप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी यार मॉन्स्टर एक ग्रुप की बात करें तो हाँ मॉन्स्टर एक ग्रुप में तो भाई ये भी एग्जिस्ट करता है। एट पॉकीमोन है हेक्सोरस, अगर हम लोग पावर वाइज देखें तो हाँ हेक्सोरस भी ड्रैगन टाइप का एक अच्छा पॉकीमोन है। अगर जनरेशन 5 के गेम्स खेला होगा ऑल्टिमा टीम में हेक्सोरस था तो हाँ ये तुम भी जानते हो कि ये अच्छे खास से तुम्हें ना परफॉर्मेंस दे देगा। सेवंथ पॉकीमोन ड्रेडनो, ड्रेडनो भी जनरेशन 8 का एक नया नया पॉकीमोन है, वैसे अब नया नहीं रहा जनरेशन 8 को भाई अब 2 साल के अराउंड हो चुके हैं लेकिन फिर भी यार ड्रेडनो भी एग्जिस्ट करते हैं मॉन्स्टर वाले एक ग्रुप में तो हाँ ये भी यहाँ पे बहुत ही सही है। सिक्स पॉकीमोन है गार्चम, गार्चम को भाई कौन नहीं जानता मतलब यार गार्चम की पॉपुलैरिटी भाई बहुत ज्यादा है। तो पावर लेवल अगर हम जज करें गार्चम की तो मेगा एवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास है एंड मेगा के बाद भाई पावर्स तो बढ़ने ही है। फिफ्थ पॉकीमोन टायनीटार, टायनीटार भी एक सूडो लेजेंडरी पॉकीमोन है तो हाँ भाई उसके पास भी अच्छे खासे पावर्स तो भाई आएंगे ही और टायनीटार के पास भाई मूव सेट भी बहुत अच्छी है मतलब यार ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पॉकीमोन साबित हो सकता है और डार्क टाइप आने के बाद भाई इसके पास जो स्ट्रेंथ आती है ना वो बहुत ही कमाल की होती है। फोर्थ पॉकीमोन है सेप्टाइल, सेप्टाइल भाई बहुत ही अच्छा पॉकीमोन है मतलब यार ग्रास टाइप के स्टार्टर पॉकीमोन के अंदर भाई सेप्टाइल मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर पॉकीमोन होगा मतलब बल्बसॉल भी है सेप्टाइल भी है दोनों थोड़ा सा हम तक की पॉइंट्स रखते हैं तो सेप्टाइल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं मॉन्स्टर वाले एक ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉकीमोन है कैंटो के स्टार्टर्स यानी कि हाँ कैंटो के तीनों स्टार्टर्स चाइजार्ड वीनसॉर एंड ब्लास्टोइस ये तीनों भी मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं मतलब यार ये बेस्ट 20 पॉकीमोन्स रहे मॉन्स्टर एक ग्रुप के अंदर। और मैं फिर से तुम लोगों को ये बात बोल दूं कि ये कोई भी रैंकिंग वीडियो नहीं थी मतलब यार यहाँ पे मैंने 1 से 20 तक जितनी पॉकीमोन बोले उनको मैंने रैंक नहीं किया था ये सी बेस्ट 20 पॉकीमोन की लिस्ट थी। सो यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोगों को पता है क्या करना है लाइक कर दो भाई और क्या करना है अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियोस को। चलो यार मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।